तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रैम एंड रोम के बारे में। बहुत से लोगों को इनमें कन्फ्यूजन होता है कि रैम क्या है और रोम क्या है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों, रैम एंड रोम दोनों के नाम ऑलमोस्ट सेम है, उनके काम भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंट है वो आगे हम क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों का फुल फॉर्म है वो पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये है दोनों के फुल फॉर्म्स। अब बात करते हैं रैम के बारे में, यानी कि रैम क्या काम करता है और रोम उन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर वन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में। रैम में जो डेटा है वो विदाउट पावर सेव हो जाता है, जबकि रोम में उसे पावर के बिना हम अपना जो डेटा है वो रैम में सेव नहीं कर सकते। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू पे। रैम का इस्तेमाल है वो हम टेम्पररी स्टोरेज के लिए करते हैं, और रोम का इस्तेमाल जो है वो हम परमानेंट स्टोरेज के लिए करते हैं। यानी कि रोम यानी कि आप अपना मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव, जिसे हम एक रोम के रूप में समझेंगे, यानी कि आपके मोबाइल में जो स्टोरेज है जिसमें आप स्टोर करते हो आपकी जो भी फाइल है उसे हम रोम कहते हैं, और रैम आपका जो भी डेटा एक्सेस करता है उसे हम रैम कहते हैं। मतलब यानी कि एक इन शॉर्ट आपको समझाना चाहिए तो जो भी आप अपने फाइल स्टोरेज करते हो वो रोम में करते हो, और उस फाइल को रीड करने का काम आपका रैम करता है। तो ये डिफरेंस है रैम एंड रोम में। तो दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट नंबर तीन पर। तो पॉइंट नंबर तीन ये है कि अगर आप अपने रोम में कोई भी डेटा अगर सेव करना चाहते हो तो उसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं लगती। यानी कि आप अपने स्टोरेज में, अपने रोम में कोई भी फाइल, लाइक मान लो एक कोई भी आपकी वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या फिर पीडीएफ फाइल, जो भी कोई फाइल हो, आप अपने रोम में विदाउट पावर सेव करते हो। बल्कि जब आप अपने रैम में वही काम करने के लिए आपको एक पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और वो पावर के बिना रैम अपना काम नहीं कर सकता। और हम रैम में टेम्पररी डेटा जो है वो स्टोरेज कर सकते हैं, उसमें हम परमानेंट डेटा जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, और उसमें हमारा जो डेटा है ओनली रीड होता है, वो वहां पर हमारा जो डेटा है वो स्टोर नहीं होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर फोर पे। तो रोम में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होने में थोड़ा सा समय लगता है, यानी कि हमें किसी भी फाइल को अपने रोम में शिफ्ट करने के टाइम वहां पर हमें थोड़ा सा समय लगता है। वही काम अगर रैम करता है तो वो चुटकी में अपना जो काम है वो कर देता है, यानी कि जल्दी से जल्दी अपना जो काम है वो डेटा रैम जल्दी से जल्दी सेव कर देता है। तो दोस्तों, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दोस्तों, आपको पता तो होगा कि रैम एंड रोम का यूज हम दोनों में भी करते हैं। दोनों में भी मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम रैम एंड रोम का यूज करते हैं। लेकिन रैम जब भी आप अपना ब्राउजर, मान लो आप अपना ब्राउजर यूज करते हो, उस ब्राउजर पर आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हो, उस वेबसाइट को ओपन करते हो, तो उस वेबसाइट का जो डेटा है वो टेम्पररी बेस पर हमारे रैम में सेव हो जाता है। और जब अपना कंप्यूटर या फिर अपना ब्राउजर क्लोज करते हो और अपना कंप्यूटर शटडाउन कर देते हो, उसके बाद जो भी आपका ब्राउजर का डेटा है वो आपके रैम से जो है वो क्लियर हो जाता है। तो ये है टेम्पररी स्टोरेज। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो रैम में 1 GB से 256 GB तक का जो स्टोरेज है हमें वहां पर मिल जाता है, और वहां पर हम जो डेटा अपना है ओनली रीड कर सकते हैं, वहां पर अपना जो डेटा है वो स्टोर नहीं कर सकते। रोम में हम अपना जितना चाहे डेटा वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि रोम में हम 1 GB से लेके 512 GB या फिर 1 TB, 2 TB, 10 TB तक हम जितना चाहिए उतना हम डेटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और हमें उतना स्टोरेज भी अवेलेबल मिलता है। आपको पता होगा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इनके रूप में हमें स्टोरेज जो है वो मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों, जब भी हमारा रैम अपने डेटा को एक्सेस करता है तो वो CPU के थ्रू हमारे डेटा को एक्सेस करता है, लेकिन जब हमारा रोम अपने डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसे CPU की जरूरत नहीं लगती, वो डायरेक्टली हमारा जो डेटा है वो एक्सेस कर देता है। दोस्तों, यही कुछ डिफरेंस है रैम एंड रोम के बारे में। आई होप आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। अगर मैंने कोई पॉइंट गलती से मिस किया हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
अगली वीडियो में हम उस पॉइंट को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस भी किया हो तो भी मुझे नीचे कमेंट करके उस पॉइंट को जरूर बताना, अगली वीडियो में हम उस पॉइंट को कवर कर लेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।